दोस्तों आज आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का, आज पढ़ेंगे हम लोग समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो 7.1 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने समाकलन का बेसिक फॉर्मूला जो होता है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद इसको अगर चैप्टर को बनाइए तो आपको फॉर्मूला से बहुत सहायता मिलेगा, जिससे आसानी से आप बना सकेंगे। आइए जो आपको पहला क्वेश्चन है यानी 7.1 का कह रहा है कि आपको निम्नलिखित फलनों को प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब वही समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। निरीक्षण मतलब यदि डिफरेंशियल विधि से निकालिए, ये देखिए परीक्षा में ये कभी नहीं कहता है कि आप निरीक्षण विधि से निकालिए, वो खाली कहता है कि समाकलन आप जिस विधि से आपको आता है उस विधि से हल करिए। सबसे पहले हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक दो बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। आइए जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आगे आपको साइन 2x, ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन 4x ही दे देते हैं। एक बार हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक बार इसका समाकलन, मैं थोड़ा सा दोनों में रिलेट कर आपको बता दूँ ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका डिफरेंशियल कीजिए तो आप कैसे करते हैं डिफरेंशियल, आप डी बटा डी एक्स करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं ना, क्या होता है इसका आंसर, तो कहीं अगर साइन का पहले साइन का होता है कॉस होता है ना, जो थीटा है तो कॉस 4x, तो साथ में एक बार थीटा का भी करते हैं आप, थीटा का करते हैं, थीटा में जाते अचर कॉमन हो जाता है, जब थीटा का कॉमन कीजिएगा तो कितना आएगा 4, यानी आप कल निकाल लेते हैं इसको, आप सुधार कर इसको लिखते हैं सर इसका टोटल जो आंसर आया ना, यानी डी बट्टा डी एक्स बराबर साइन 4x का जो डिफरेंशियल आया 4 × cos 4x आया ना। अब इसी को देखिए मैं समाकलन में कैसे चेंज करता हूँ, और समाकलन में चेंज करना है ये तो देखिए आपने डिफरेंशियल हमने बताया ना, डिफरेंशियल का सीधे ओपोजिट होता है क्या, समाकलन होता है। डिफरेंशियल में जो चीज़ गुणा होता होगा तो समाकलन में भाग होगा, डिफरेंशियल में जो चीज़ आपको आपको अगर सब्जेक्ट होगा तो इसमें आपको ऐड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि अगर डिफरेंशियल में जो आपको माइनस में करते हैं वो उसमें समाकलन में वो क्या करेंगे प्लस में करेंगे, यानी कहने का मतलब देखिए। और इसी का मैं समाकलन चेंज करके बताता हूँ, ध्यान रखना बात को, यहाँ पर देखिए समाकलन, या मैं कह दूँ कि हमको चाहिए साइन, मैंने कहा आपको साइन 4x का समाकलन बताइए, वो भी किसके सपेक्ष एक्स के सपेक्ष बता रहा है, तो देखिए ध्यान रखिए बात को, समाकलन नहीं, इसके मैंने डिफरेंशियल निकाला तो आंसर इतना है। अब समाकलन में देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समाकलन में दोनों कुछ एक ही तरह है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले साइन का समाकलन जो होता है ना, तो देखिए साइन का समाकलन क्या होता है बताइए, आपने मेरे फॉर्मूला में बताया। अब देखिए साइन का ऐसे अगर डिफरेंशियल देखा जाए तो साइन का डिफरेंशियल आपने कॉस लिखा है, लेकिन समाकलन देखिए इसमें भी साइन का कॉस होता है, लेकिन समझ देखिए डिफरेंशियल में चिन्ह किस में होता है प्लस में होता है, जबकि समाकलन में साइन का हमने बोला ना चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। अब देखिए साइन का कॉस तो होगा लेकिन निगेटिव में होगा, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल प्लस में होता है तो चिन्ह किस में हो जाएगा माइनस में, तो साइन का कॉस होता है ये बात मानते हैं, लेकिन साथ में एक बात देखिए इसमें आपने डिफरेंशियल में 4x का भी किया तो कितना आया 4, और वो भी किस में लिखे हैं इंटू में लिखे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी 4x का होता है समाकलन, लेकिन ध्यान रखना बात को डिफरेंशियल में आप इंटू में लिख देते हैं, ठीक है बताइए, और इंटू में लिखते हैं डिफरेंशियल में तो समाकलन में किस में लिखिएगा, यानी गुणा का विपरीत क्या होता है भाग होता है ना, यानी यहाँ पर आप जो इंटू में लिखकर इसको कर देंगे डिवाइड, यानी भाग में लिखें, आप प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं, देखिए कितना सिंपल है समाकलन हो गया, आया ना समझ में, एक और देखते हैं। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नहीं आपको कॉस चाहिए, इस बार हमको ने कहा चलो भाई कॉस 4x प्लस 5 का बताइए, समाकलन आपको डिफरेंशियल पहले बताना है, डिफरेंशियल देखिए आप कैसे निकालते हैं समझिए बात को, कॉस का कहते हैं कि सर कॉस का जो डिफरेंशियल होता है ना वो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, आपको सर कॉस का डिफरेंशियल जो होता है वो कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, और जो थीटा है तो सिम का थीटा का थीटा, और एक बार थीटा का भी करते हैं ना, और इसका अगर डिफरेंशियल कीजिए तो क्या आएगा इंटू, आपको जानते हैं कि केवल 4 निकल कर आएगा क्योंकि अचर 5 है तो उसका 0 हो जाए, अरे आपको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर मिल जाएगा वो -4 sin 4x + 5, देख रहे हैं ना हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी का हम समाकलन करके आपको दिखाते हैं, आइए अगर मैं कहूँ कि नहीं आप समाकलन कीजिए cos 4x + 5 का समाकलन कीजिए, कितना सिंपल है बस बोलिए, तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर कॉस का डिफरेंशियल क्या हुआ है माइनस साइन, अब देखिए यहाँ पर भी कॉस का साइन होगा लेकिन देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल में कॉस का चिन्ह किस में है साइन का चिन्ह निगेटिव है ना माइनस में ना, तो समाकलन कीजिए कॉस का समाकलन होता है, मैं बता दूँ कॉस का समाकलन होता है साइन, ठीक है साइन होता है लेकिन देखिए
को आपको डिफरेंशियल में माइनस में हुआ है तो आपको माइनस देखिए डिफरेंशियल किस में हुआ है माइनस में कॉस का जो डिफरेंशियल होता है ना साइन का वो माइनस में होता है नेगेटिव होता है जबकि समाकलन में कॉस का क्या होगा जब इसमें नेगेटिव है इसमें सीधा हम बोले आपको समाकलन का होता है उल्टा होता है विपरीत तो कॉस का साइन यानी प्लस का साइन हो जाएगा समझ बात ना और जो थीटा आपको 4x + 5 है तो 5 एक एक बात देखिए आपने डिफरेंशियल में था आपने थीटा का भी किया था इनटू में लिखा है चार किसमें लिखा है इनटू में तो समाकलन में इसका थीटा का जो होगा ना वो आपको किसमें होगा तो इनटू कर अगर विपरीत देखा जाए तो क्या होता है डिवाइड होता है यानी भाग होता है इसका किसमें करेंगे भाग जो यानी जो आपको यहाँ पर इनटू में चार निकल गया इसका अगर करेंगे आपको समाकलन तो बट्टा में होता है क्योंकि आपको गुणा का विपरीत क्या होता है भाग होता है ना तो प्लस में सी लग जाता है सी का मतलब कोई कॉन्स्टेंट लग जाएगा समझते ना ये लगा कर लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि चलिए हम निकालते हैं आपको डिफरेंशियल कहा जाएगा ऐसे टू माने डी एक्स बटा हमने कहा एक्स के पावर 5 पर खींचिए ठीक है तब कितना करते हैं पावर को लाते हैं किसके नियम अनुसार तब जानते हैं पावर और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या जानते हैं ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं एक्स के पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है तो आप देखिए इसको करते हैं इस फॉर्मूला का नियम अनुसार तो क्या करते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 5 में से 1 घटाते हैं यानी आपको 5 इंटू एक्स के पावर 4 जाता होता है ना उसी तरह इसका समाकलन करते हैं समाकलन समझिएगा एक्स के पावर 5 का समाकलन कीजिए तो देखिए इसमें पावर घटता है समाकलन में पावर जुटता है यानी कहने का मतलब समझिए जो काम इसमें गुणा में होगा वो काम इसमें भाग में होगा तो समाकलन में समझिए इसमें होता है क्या कि इसका हो जाएगा x के पावर अब इसमें देखिए पावर घटता है ना तो समाकलन में पावर जुटता है यानी 5 के पावर प्लस 1 तो बटा में होगा क्या होगा बटा में होगा इसमें भी बटा में 5 प्लस 1 हो जाएगा फिर बात ना बटा में जो भी पावर ऊपर करें वो पावर देखिए आपने इंटू में लिखा यहाँ पर लिखा क्या नहीं लिखा या बटा में होता आप प्लस इसको कीजिएगा तो कितना निकल का जाएगा तो यहाँ आपको x के पावर 6 बटा 6 प्लस सी होता है तो ये आपको समाकलन होता है ठीक है ना इस प्रकार जानते हैं समाकलन का पावर वाला प्रमाण हमने बताया है क्या बताया कि अगर x के पावर n का समाकलन कीजिएगा तो इसका होता है क्या x के पावर n प्लस 1 बटा x के पावर n प्लस यानी यहाँ पर n होता है पावर जो n जो पावर ऊपर रहेगा वही पावर नीचे प्लस में सी होता है बताया कि नहीं बताया ना चलिए अब आते हैं हम सीधे प्रश्नवाली पे आते हैं प्रश्नवाली को देखिएगा प्रश्नवाली जो है वो बहुत सिंपल है इजीली है आप देखिए और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं ठीक है आप एक दिन भी क्लास मिस ना कीजिए क्योंकि अगर क्लास मिस कीजिए तो आपको नहीं आएगा आइए देखते हैं जैसे कि पहला आपको सवाल जो दिया है ना वो दिया है साइन 2x कह रहा है साइन 2 देखिए हमने साइन 4x को बताया था तो साइन 2x का क्या निकालना है तो कह रहा है कि प्रति अवकलन वो भी यानी समाकलन निकालना है तो आइए हम समाकलन निकालते हैं तो देखिए एक से लगा है तो एक्स के सापेक्ष निकलेगा निकलेगा ना तो यहाँ पर समाकलन निकलेगा साइन 2x का देखिए तो हमने बताया ना साइन का अगर देखिए डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद समाकलन खुद का याद हो जाएगा क्योंकि साइन का अगर डिफरेंशियल देखा जाए तो होता है कॉस यानी प्लस में कॉस होता है यहाँ पर साइन का और डिफरेंशियल कॉस प्लस में होता है ना तो समाकलन उसका माइनस होगा लेकिन होगा कॉस है लेकिन चिन्ह का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा यानी साइन का हो जाएगा आपको माइनस कॉस जो 2x है तो आप देख लीजिए अब मैं बताया था कि डिफरेंशियल में क्या होता है 2x का डिफरेंशियल करते तो 2 होता है इनटू में होता है डिफरेंशियल में जबकि यहाँ पर समाकलन है तो किस में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा बट्टा में 2 प्लस 3 आसानी से बोल के बोला ना क्योंकि आप डिफरेंशियल से रिलेट करके बनाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा उसी तरह आप देखिए इसका दूसरा अगर देखिएगा तो दूसरा आपको जो दिया है ना वो आपको आपको दिया है दूसरा कॉस 3x दिया है और इसका समाकलन कीजिए कॉस 3x dx और इसका कीजिएगा तो बहुत सिंपल इजीली है कॉस का कीजिए देखिए और कॉस का डिफरेंशियल की बात कीजिए इसका मैं डिफरेंशियल करके दिखाता हूँ कॉस 3x का डिफरेंशियल कीजिए कॉस का कीजिएगा तो डिफरेंशियल कॉस का होता है माइनस साइन तो माइनस 3 एक बार थीटा कर दे में 3 लिखता है लिखता है ना यानी सॉल्व करने के बाद लिखते हैं माइनस 3 साइन 3x जबकि यहाँ पर देखिए समाकलन करें तो कॉस देखिए कॉस का डिफरेंशियल माइनस में होता है माइनस साइन तब समझिए समाकलन में क्या होगा और कॉस निगेटिव यानी कहने में कॉस का डिफरेंशियल अगर माइनस साइन होता है तो समाकलन का प्लस का साइन होना चाहिए ना विपरीत यानी कॉस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन प्लस का साइन जो थीटा है तो थीटा
अब देखिए एक बार इसमें थीटा का भी करना पड़ता है तो थ्री लिखा है ना, तो इंटू में लिखा है गुणा में, तो समाकलन में वही होता है इंटू में, लेकिन वो वहाँ पर बट्टा में लगे यानी भाग में रहता है, समाकलन इसके विपरीत हो जाता है, तो यहाँ पर थ्री होगा लेकिन वो होगा बट्टा में, पता थ्री या प्लस थ्री हो जाए, या आसानी से आपने इसको दूसरा बना ली। अब आते हैं इसका तीसरा को देखते हैं, आइए तीसरा नंबर इसका देखते हैं, तीसरा जो दिया है ना बहुत सिंपल है, तीसरा भी देखिए आपको तीसरा देखिएगा तो दिया है यहाँ पर के पावर टू एक्स डी एक्स समाकलन कीजिए, यानी इतना दिया है तो इसका समाकलन करना है ना, तो ये समाकलन करता है ई के पावर टू एक्स का समाकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, क्योंकि थीटा एक्स बना है, तो समझिए आप इसका अगर डिफरेंटियल करके दिखाइए हमको, और इसका डिफरेंटियल कीजिएगा ना यहाँ पर वी कितना पाइएगा ई के पावर टू एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स उसका सिर्फ का सेम होता है ई के पावर एक्स के, ई के पावर एक्स टू एक्स हो जाएगा, और साथ में थीटा का करना पड़ता है तो इंटू में लिखते हैं आप टू, तो करते हैं सर टू इंटू ई के पावर टू एक्स होगा ना इतना। अब इसी को समाकलन में बदल दीजिए, आइए जैसे इसको कीजिएगा तो देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है, हमने बताया समाकलन बेसिक फॉर्मूला में, तो ई के पावर टू एक्स से हो जाएगा, लेकिन साथ में देखिए डिफरेंशियल में इसका थीटा का भी पा हुआ है तभी तो यहाँ पर टू आया है, लेकिन इंटू में ना आया है, अगर समाकलन कीजिए ना तो वही जो इंटू मारा वो किस में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल में गुणा तो समाकलन में भाग यानी बट्टा हो जाएगा, आपको लस्ती है तो ना बना लीजिएगा, आसानी से आसान बहुत आसान होता है, और डिपेंडेंट का फॉर्मूला या इसको बनाने में बहुत सुविधा होगा। आइए इसका हम लोग देखते हैं चार नंबर देखते हैं, आइए चार नंबर भी बहुत आसान है, आप देखिएगा तो बहुत सिंपल में बना लीजिएगा, आइए आप डिपेंडेंट से रिलेटेड करके बनाइएगा ना तो सबसे सुपर होगा। अगर ये चार नंबर जो दिया है ना, सबसे पहले आपको दिया है चार नंबर, देखिए आपको मैं बता दूँ दिया आपको, आपको दिया है कि ए एक्स प्लस बी के पावर टू दिया है, तो देखिए इसका समाकलन करना है, तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अगर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल आगे दो बार डिफरेंशियल करके देख ही लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको बनाने में सुविधा हो जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसका डिफरेंशियल करके दिखाइए, किसका ए एक्स प्लस बी इसका डिफरेंशियल करके बताइए इसके पावर, तो सबसे पहले पावर के करते हैं उसके बाद थीटा करते हैं, पहले पावर को करेंगे तो पावर से हो जाएगा पावर अगर टू इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर, अब टू में से वन घट जाएगा, घटेगा ना टू में से वन घटेगा तो कितना पावर एक ना बचेगा, अब साथ में अब थीटा का भी करना पड़ता है, बेस का भी करना पड़ता है, और बेस का कीजिएगा ना इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है ए एक्स प्लस बी का करना पड़ता है ना, अब कीजिएगा तो टू इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा ए आएगा, क्योंकि इस ए कॉमन हो जाएगा एक्स का वन हो जाता है बी अचर है जीरो हो जाएगा, यानी कहिए टू ए इंटू ए एक्स प्लस बी होगा होगा ना। अब वही बात हम करते हैं समाकलन में, आइए समाकलन में देखिए इसमें पावर घटा है क्योंकि इसमें फॉर्मूला कौन लगा है एक्स के पावर एन वाला, क्या इसका डिपेंडेंस क्या होता है फॉर्मूला हमने बताया है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन एन होता है, जबकि समाकलन में इसकी पावर जुटता है तो बट्टा में भी पावर जुटता है। अब इसमें लगाइएगा इसमें देखिए अब इसको रिलेट कर बनाते हैं, इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा पहले पावर का फॉर्मूला, देखिए समाकलन का हमने बताया पावर का फॉर्मूला एक के पावर ऐसे होता है एक्स के पावर एन, इसमें क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन है, जो पावर ऊपर जुड़ेंगे वही पावर एक बार नीचे भी लिखा जाता है, तो लगा दीजिए पावर वाला फॉर्मूला, तो इसमें देखिए हो जाएगा क्या ए एक्स प्लस बी इसके पावर टू प्लस वन बट्टा टू प्लस वन, एक बार साथ में आपको बेस का भी करना पड़ा, देखिए तो आपने बेस का डिफरेंशियल किया तो कितना आया है ए आया, तो जो इसमें इंटू में आया है ना वो इसमें बेस का कीजिए तो किसमें आएगा किसमें आएगा बट्टा में आएगा, यानी बट्टा मतलब बट्टा लगेगा यानी कि बेस के इसका कीजिए इंटू में ए आ जाएगा, इस बेस का कीजिए देखिए डिफरेंशियल कीजिए तो आप इंटू में आया था ना तो इसमें किसमें आ जाता वो बट्टा में आ जाता है, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए देखिए क्या आएगा ए एक्स प्लस बी के पावर थ्री ये हो जाएगा दो एक तीन थ्री ये हो जाएगा, यानी सुधार करने के लिए चाहे तो आप इसको थ्री ए इंटू एक्स प्लस बी के पावर थ्री कर सकते हैं प्लस थ्री आसानी से बना लीजिए नहीं बना लीजिएगा। आइए इसके बाद वाले देखते हैं इसका पांच नंबर सवाल देखते हैं, देखिए आप देखिए ध्यान से देखिएगा ना तो आपको मैं बोलता हूँ ना पूरी की पूरी समझ में, समाकलन जो होता है ना वो अवकलन का ही भाई है, आप बस केवल उसको और जो व्यक्ति अवकलन नहीं पढ़ा उसको समाकलन बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए समाकलन पढ़ने से पहले आप अवकलन बढ़िया से पढ़ लीजिए। आइए इसका देखते हैं इसका पांच नंबर जो बहुत सिंपल है, आपको पांच नंबर जो दिया है वो दिया आपको पांच नंबर क्या सवाल है तो दिया साइन टू एक्स माइनस फोर ई के पावर थ्री, देखिए बहुत सिंपल अलग अलग दिया, चाहे तो इसको दो पार्ट में अलग अलग तोड़ लीजिए तब बना लीजिए। आइए बनाते हैं समाकलन करेंगे साइन टू एक्स माइनस फोर ई के पावर थ्री एक्स,
आप चाहे तो इसको दो तरीका से बना, या तो आप अलग अलग पार्ट कर दीजिए तब बना लीजिए, और चाहे तो दोनों को एक साथ बना लीजिए। हम तो कहेंगे अलग अलग कर लीजिए तो सुविधा रहेगा, क्योंकि हमको पता है साइन टू एक्स डी एक्स कर दीजिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन फोर ई के पावर थ्री एक्स डी एक्स। अब देखिए अब डायरेक्ट इस बार डिफरेंशियल नहीं करेंगे, इस बार डायरेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो देखिए साइन का जो करते हैं ना, तो साइन का होता है देखिए साइन का और डिफरेंशियल देखा जाए तो कॉस होता है, तो प्लस में होता है, तो यहाँ पर समाकलन करना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का कॉस हो जाएगा टू एक्स टू एक्स, साथ में अगर डिफरेंशियल टू एक्स करते हैं तो इन टू में टू आता है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा आप फिर उधर बट्टा में लग जाएगा, लग जाएगा ना। अब माइनस है तो माइनस, अब इसमें समाकलन करना तो अचार को कवर कर लीजिए, फिर इसमें भी अचार कवर हो जाता है। अब देखिए ई के पावर थ्री एक्स को कर दीजिए, अब इसको कीजिएगा तो माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस फोर है तो फोर। अब इसका ई के पावर एक्स का समाकलन आपको ई के पावर एक्स ही होता है, और साथ में इसका बेस का करना पड़ेगा नहीं, थीटा का भी करना पड़ेगा थ्री एक्स को, तो थ्री एक्स का अगर डिफरेंशियल होता है इनटू में थ्री होता है, इसमें किसमें लग जाएगा बट्टा में लग जाएगा, किसमें लग जाएगा बट्टा में लग जाएगा। अब इसको सुधार कर लीजिए वन बाई टू कॉस टू एक्स माइनस, आपको चार बट्टा जानते हैं बट्टा का मतलब सबके नीचे बट्टा है ना, तो चार बट्टा थ्री ई के पावर थ्री एक्स प्लस आपको जो आपको राइट आंसर है, ठीक है। और अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के पास, जितना आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है सब पे शेयर करिए, ताकि उसकी भी अपने दोस्तों का भी उनका भी प्रॉब्लम दूर हो सके। जय हिंद जय भारत।